दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवीएस भर्ती 2023 की ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में। आज 20 अप्रैल को केवीएस द्वारा एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी करके सभी जो पोस्ट हैं, कैटेगरी है, उनकी ऑफिशियल कट ऑफ डिक्लेयर कर दी है। तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, ये नोटिस आज 20 अप्रैल को जारी हुई, जिसमें बताया गया है कट ऑफ मार्क्स फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर प्रिंसिपल एंड पीआरटी म्यूजिक इन केवीएस अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट नंबर 15 एज कम्युनिकेटेड बाय द रिक्रूटमेंट एजेंसी सीबीएसई इज अंडर। तो यहाँ पर तीन पोस्ट जिनका अभी हाल ही में आप लोग जानते हैं रिजल्ट जारी किया गया है, इंटरव्यू के लिए इनका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है, ठीक है। अगर आप इसमें सेलेक्टेड हैं तो governmentjobcenter.com से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर कट ऑफ देखिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल की कट ऑफ बताई गई है, इसके बाद प्राइमरी टीचर म्यूजिक की कट ऑफ, इसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर की कट ऑफ है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर ये कट ऑफ कितने मार्क्स पर है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर का, तो यहाँ पर देखिए ये एग्जाम पैटर्न है असिस्टेंट कमिश्नर का। यहाँ पर देखेंगे तो इसमें बताया गया था कि जो असिस्टेंट कमिश्नर वाली पोस्ट है इसमें दो पेपर होंगे, पेपर वन और पेपर टू। दोनों पेपर जो होंगे वो 150-150 नंबर के होंगे। यहाँ पर देखेंगे तो पेपर वन है इस, ठीक है, इसमें 30 और 120 150 नंबर हो गए। इसके बाद यहाँ पर देखो पेपर टू है, इसके कई सारे पार्ट थे, तीनों को मिला करके अगर आप देखेंगे 150 तो कुल मिलाकर के 300 नंबर का आपका पेपर था असिस्टेंट कमिश्नर का, जिसके सापेक्ष में अब आप कट ऑफ देखिए। तो यहाँ पर कट ऑफ देखिए असिस्टेंट कमिश्नर की, यूआर की गई है 202, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर की 188 है, एससी की 183 है, एसटी की 173 है और एचएच इनकी 77 मार्क्स है, ठीक है। ये हो गई असिस्टेंट कमिश्नर की कट ऑफ। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन आई थिंक मुझे लगता है नहीं हुआ है, तो ये रॉ मार्क्स ही है। अगर किसी में नॉर्मलाइजेशन वगैरह हुआ होगा तो वो भी यहाँ पर लिखा होता, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इनका एक ही दिन में एग्जाम था, इस वजह से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। अब देखेंगे तो यहाँ पर प्रिंसिपल की पोस्ट के बारे में बताया गया एग्जाम पैटर्न। तो यहाँ पर देखिए दो पेपर हुए थे प्रिंसिपल में भी, पहला पेपर और दूसरा पेपर दोनों 150 नंबर का यहाँ पर पेपर था, सेम उसी तरीके से। अगर आप यहाँ नीचे टोटल करेंगे तब भी देखिए पेपर वन जो है इसमें 120 और 30 150 नंबर का बनता है, और पेपर टू देखेंगे तो यहाँ पर 50 और ये 100-150 नंबर का बनता है। तो कुल मिलाकर के 300 नंबर के हिसाब से यहाँ पर रिटर्न एग्जाम हुआ था, उसके सापेक्ष में अब मार्क्स देखिए। तो देखिए प्रिंसिपल की जो कट ऑफ गई है, यूआर के लिए 203 गई है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर की 189 गई है, एससी की 187 गई है, एसटी की 178 गई है और ओएच की 187 गई है, एचएच की यहाँ पर 94 गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए, लेकिन उससे पहले ये समझ लो कि इसका एग्जाम कितने मार्क्स की बेस पर हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे तो प्राइमरी टीचर म्यूजिक का पेज ओपन है, यहाँ पर देखिए बताया गया द रिटर्न टेस्ट इज 180 मार्क्स, ठीक है, 180 नंबर का यहाँ पर रिटर्न एग्जाम हुआ था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे सबको तो 30 नंबर ये देखिए, ठीक है, पार्ट वन 30 नंबर का था, इसके बाद पार्ट टू में आएंगे तो ये 50 नंबर का था, तो 50-30 हो गए 80, इसके बाद देखिए पार्ट थ्री 100 नंबर का था, टोटल हो गए 180। इसके बाद फिर यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह होंगे वो अलग है। यहाँ पर जो ये कट ऑफ है रिटर्न एग्जाम की कट ऑफ है इंटरव्यू के लिए जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए। अब यहाँ पर देखिए 180 नंबर के हिसाब से यहाँ पर यूआर की 138 गई है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर की 127 गई है, एससी की यहाँ पर देखिए 128 गई है, एसटी की यहाँ पर देखिए 107 गई है, ईडब्ल्यूएस की 128 गई है, ओएच की 114 गई है और वीएच की यहाँ पर 128 गई है। तो अब आपको आंकड़ा हो गया कितने कितने मार्क्स यहाँ पर कट ऑफ गई है और आप कितने मार्क्स से चूक गए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।